आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। किसी भी मौसरे की परिस्थिति की अहम वजूहत में से एक बच्चियों को उनके हकूक की अदम फरामी और तालीम की कमी है। इस हवाले से देखते हैं रिजा फातिमा की रिपोर्ट। आज भी पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में बच्चियां अदम तहफ्फुज़ का शिकार हैं। कहीं लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है तो कहीं उन्हें तालीम से महरूम रखा जाता है, जो मुआशरे की पस्ती का सबब बनता है। एक तरफ तो रस्म और रिवाज हैं और एक तरफ ये दूसरे मसले हैं, तो इसलिए हुकूमतों की तवज्जो दिलाई जाए कि वो उस हवाले से कुछ इकदाम करें, कोई कानून बनवाएं, उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। तालीमी इदारों में बच्चों को आगाही फराहम करने के लिए असातिज़ा भी अपना मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। मर्द के कुछ हुकूक हैं और औरत के भी हुकूक हैं। अगर मर्द पे तालीम वाजिब है तो औरत पे भी वाजिब है। हमारे पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि हमें बच्चों को छोटी उम्र से तालीम दें और उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अपने दम पे कुछ करने के लिए। छोटी बच्चियों के हुकूक के बारे में आगाही देना और उन्हें मुआशरे में दरपेश मसाइल उजागर करने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को बच्चियों का आलमी दिन मनाया जाता है। मौजूदा दौर में बच्चियों को तालीम देने के साथ साथ उनको उनके हुकूक के बारे में आगाही देना भी इंतहाई जरूरी है, ताकि वो एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा कर सकें। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।